नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में आपके साथ निजाम समेत। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले के सबसे चर्चित हत्याकांड आशुतोष सहाई हत्याकांड, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, चर्चित प्रॉपर्टी डीलर थे, जिनकी हत्या बीते 21 जुलाई 2023 को सैयद कासिम उर्फ डॉलर के घर पर गोलियों से मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसकी सुनवाई में आज सैयद कासिम उर्फ डॉलर की आज सुनवाई होनी थी, जिसकी सुनवाई की डेट अगली 29 सितंबर की हुई है। और दूसरी जो आपको अपडेट बता दें, जिस तरह से एक अपराधी जो फरार चल रहा है रजनेश उर्फ ओमकार के घर पर ही कल सीआईडी के द्वारा इश्तेहार चिपकाया गया था, आज दूसरे दिन ही उनके तरफ से भी आज कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है अग्रिम जमानत के लिए, जिसकी डेट 22 सितंबर को पड़ी है। तो कहीं ना कहीं आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम अपडेट करा रहे हैं आशुतोष शाही मामले, हत्याकांड मामले को लेकर। तो पूरे मामले पर उनके आशुतोष शाही के जो एडवोकेट है क्या कुछ बता रहे हैं, पहले वो सुनिए। आशुतोष शाही हत्या मामले, आज सैयद कासिम हसन जी के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका के का अंतिमतः सुनवाई होना था, लेकिन आंशिक रूप से सुनवाई हुआ। सीआईडी के लोग भी उपस्थित हुए और पूर्व के न्यायालय के द्वारा जो भी डायरेक्शन था उसका सीआईडी के द्वारा पालन किया गया और पर्याप्त साक्ष्य सामग्री इस पेटिशनर के विरुद्ध भी कोर्ट में समर्पित किया गया, कोर्ट को दिखाया गया है। सुनवाई के बाद पेटिशनर की ओर से ही एक सप्ताह का समय ले लिया गया था और इसी कारण विद्वान न्यायालय डीजे 14 साहब के जो इंचार्ज न्यायालय थे श्री शरद चंद्र ठाकुर, विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 20 महोदय के द्वारा अगली तारीख 29 सितंबर 2023 को निर्धारित किया गया है। और उसके बाद एक अन्य अभियुक्त जिनका नाम है रंजय ओंकार सिंह, उनके घर पर कल उनके पैतृक गांव में और किराए वाले घर पर उद्घोषणा को चस्पा किया गया है। आज उनकी ओर से भी अग्रिम जमानत याचिका विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के इजलास में दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई 22 सितंबर 2023 को होगी। मैं रत्नेश भारद्वाज, अधिवक्ता पीड़ित पक्ष। तो आपने सुना पूरे मामले को लेकर आशुतोष शाही के जो एडवोकेट है क्या कुछ बता रहे थे। जिस तरह से मुजफ्फरपुर का दिल दहला देने वाला हत्याकांड था आशुतोष शाही हत्याकांड, 21 जुलाई की रात में आशुतोष शाही को सैयद कासिम उर्फ डॉलर के घर पर चार अपराधी आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं, जिसमें 6 लोग अभियुक्त हैं, जिसमें से 4 लोग अभी जेल में है और 2 लोग जिसमें से ओमकार रजनेश उर्फ ओमकार अभी फरार चल रहे हैं और एक जो है सैयद कासिम उर्फ डॉलर, जिनकी अगली जमानत आज सुनवाई थी मगर उसकी तारीख जो है 29 सितंबर की रखी गई है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।